क्योंकि ये गरीब ठेले वाला खोंचा वाला दुकानदार भाई सब यही चाहते हैं ना। ठेला वाला क्या चाहता है, यहाँ का खोंचा वाला क्या चाहता है, इस सब्जी वाले क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि गोपीगंज में घर देखो परिवर्तन अब की लाना है, तो लड़का लड़की पे मुहर लगाना है, जितेंद्र को जिताना है, लड़का लड़की पे मुहर लगाना है, जितेंद्र को जिताना है, देसी लालन को देसी भाषा में कर समझाना है, देसी लालन को देसी भाषा में कर समझाना है, तो किस पे मुहर लगाना है, किस पे मुहर लगाना है, कि लड़का लड़की पे मुहर लगाना है, जितेंद्र को जिताना है, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि लड़ाई जितेंद्र से है। अब आप कितना जने हिंदू मुसलमान करी, अब आई हम करी, लेकिन आपको बता दूं ये जितेंद्र ऐसा प्रत्याशी है जो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर हिंदू के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो उसके चिट्ठी को भी बांधने का काम जितेंद्र गुप्ता करता है। घाटों पर कंधा अगर कोई देता है तो जितेंद्र गुप्ता देता है, अगर किसी मुसलमान भाई के यहाँ जनाजा उठता है तो उसमें भी अगर सबसे पहले कोई पहुंचता है तो जितेंद्र गुप्ता है। इसलिए पहले इस बार परिवर्तन लाइए और उसके बाद फैसला कीजिएगा अगली बार की कौन लड़ेगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपसे निवेदन करने परदेशी भी आया है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जान हथेली में लेकर राजेश परदेशी गा रहा है जितेंद्र के लिए। एक तरफ हजारों हजारों करोड़ के लोग मेरे चार चार दुश्मन बने हुए हैं और एक तरफ जितेंद्र ने इतना प्यार किया है गरीबों को, इसलिए मैंने कहा कि ना लिफाफा ना परदेशी, जहां प्रेम वहां। इसलिए मैं जितेंद्र के लिए गा रहा हूं हर मंगलवार को गणेश मंदिर पे गरीबों के।